ऐसा लग रहा है बस होली में पहनने लायक है ये तो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम प्रतिमा। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर आई हूँ मीशो की तरफ से साड़ीज का कलेक्शन, जो मैंने ऑर्डर किया था आलिया भट्ट की साड़ीज। तो मैंने जितनी मुझे दिखी ना, मैंने सब ऑर्डर कर ली। मैंने कहा आज मैं सारी साड़ियाँ पहनूंगी मीशो में, जितनी भी आलिया भट्ट ने पहन रखी है। तो मैंने ऑर्डर किया 3 डिज़ाइन। एक डिज़ाइन का मैंने 2 पीस ऑर्डर किया जिसमें मैं और मम्मी ने पहन के दिखाया है, वो व्लॉग जल्दी ही चैनल में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट यार, मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगी इस बार। सबसे पहले मैं ये साड़ी ओपन करूंगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसी, तो चलो भाई लेट्स ओपन दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन वाली साड़ी है? मैंने पता है एक ग्रीन ऑर्डर किया है, एक रेड ऑप्टिंग जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, और एक ऑम्ब्रे शेड। तो 3 डिजाइन ऑर्डर किया है और टोटल 4 पीस है। तो मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी साड़ी। तो लेट्स स्टार्ट यार, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करो क्योंकि लोग स्किप कर देते हैं। बात सही है। ये पता पूरा इंट्रो तक नहीं देखते। आई थिंक मुझे सीजर की जरूरत थी, लेकिन मैं अब खोल लूंगी। नहीं नहीं मत लाइए आप, मैं देखूंगी नहीं, जब मैं पार्सल ओपन कर लूंगी तब देखूंगी। मम्मी कौन सी है? पिंक है। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सी? अच्छा अच्छा अच्छा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा जी, ये पता है मल्टी कलर वाली है। ये साड़ी भी सुंदर लग रही है, लेकिन पता है इसका जो मटेरियल, अच्छा अच्छा यहाँ ग्रीन है। सो ये रही वो साड़ी। अच्छा अच्छा अब मुझे समझ में आया। पता है फोटो में ये कैसी दिख रही थी? ये फोटो में एकदम ऑर्गेन्जा दिख रही थी कि ये ऑर्गेन्जा की होगी और इसमें ग्रीन और पिंक का शेड सबसे ज़्यादा होगा, पर ये मैच नहीं कर रहा है। मतलब मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना, ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, पर स्टिल मटेरियल बहुत अच्छा है और शेड भी बड़ा प्यारा है। ये देखो बहुत प्यारा सा, एकदम होली वाला वाइब दे रहा है ना मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे बस होली में पहनने लायक है ये तो। लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर तो यार बहुत है, लेने लायक तो है मम्मी, है ना? इसका तो सूट भी बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा सा अजीब है। हाँ तो ब्लाउज की तो चिंता है नहीं, जो अगर मैं पहनूंगी ना तो मेरे पास 2, मैंने आपको बताया, मैंने व्लॉग में बताया था, जिसने व्लॉग देखा वो समझ जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से ब्लाउज रखे हूँ जो हर साड़ी में चल जाते हैं। तो इस पे भी मेरे पास जुगाड़ है जो चल जाएगा। मेरे पास है एक पिंक कलर का ब्लाउज, तो इस पे चल जाएगा। ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी। मम्मी इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगेगा, मान लो अगर हम DIY करते हैं इस साड़ी से। मुझे ऐसा लगता है ना, देखती हूँ कि इस साड़ी में कौन सा ब्लाउज अच्छा लगेगा। मेरे पास 2 ब्लाउजेस हैं जो मेरे साइज के हैं, एक ये डार्क ग्रीन और एक पिंक। तो सबसे ज्यादा तो समझ में आ ही रहा है कि पिंक अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट लें तो ग्रीन भी अच्छा लगेगा, लेकिन पिंक लेते हैं क्योंकि पता है पिंक कलर का ब्लाउज इसके साथ लग के आया था। यहाँ पे मैंने अपनी जंग स्टार्ट की। भाई इतनी सॉफ्ट थी ना कि मटेरियल सॉफ्ट था ना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था प्लीट्स बनाना, पर स्टिल मैंने ट्राई किया, किसी तरह पहन लिया एंड मुझे ना ओवरऑल लुक बहुत पसंद आया। ये मैं तो बहुत खुश हो गई थी भाई साड़ी पहन के कि मैंने फाइनली पहन के हो गई हूँ रेडी। एंड ये साड़ी पता है इतनी सॉफ्ट है, पहली बात तो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। एंड जो ये कलर, जो हर जगह डिफरेंट कलर दिख रहे हैं ना, ये कलरफुल एकदम होली वाला वाइब दे रही है, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी लेस की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड इसकी क्वालिटी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मटेरियल इज वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा का मटेरियल है, आई जस्ट लव इट। एंड यहाँ पे ना मैंने अपनी मम्मी को बुलाया बिकॉज प्लीट्स ना मुझसे ढंग से बनी नहीं थी, तो मैंने कहा मम्मी इधर आओ प्लीट्स बनाओ मेरी। तो मम्मी आ गई, प्लीट्स बनाई, पल्ला सही किया, सब कुछ सही किया, एंड देन मम्मी चली गई। सो आप मुझे बताना कि आपको ओवरऑल ये साड़ी कैसी लगी। मुझे तो सच बताओ मैच तो नहीं कर रही है फोटो से, पर हाँ मुझे अच्छा लगा। जो इसका रियल कलर था ना, वो समथिंग सी ग्रीन और पिंक समथिंग था साड़ी में, जो कहीं मुझे नज़र नहीं आया। मुझे नज़र आया लाइट ब्लू एंड पिंक, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन उसका कलर बहुत अच्छा था। कुछ और सेलर हैं जो मीशो में सेल कर रहे हैं, पर अगर आपको ऐसा कलर चाहिए तो आप ये ले सकते हो। लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप कोई और चेकआउट कर सकते हो जिसमें सच में एग्जैक्ट वही कलर था। मुझे नहीं मालूम था कि, क्योंकि शायद किसी ने रिव्यू डाला नहीं था फोटो के साथ, तो मैं देख नहीं पाई कि क्या एग्जैक्ट कलर आएगा। मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सेम, पता है इसका मटेरियल जो है वो समथिंग सैटिन बेस पे है, सैटिन और शिफॉन मिक्स है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, लाइट वेट मटेरियल है, पर हाँ फोटो में ना ऑर्गेन्जा दिख रहा था, तो ऑर्गेन्जा तो नहीं मिला, ना ही कलर कॉम्बिनेशन, बट स्टिल ठीक लगा, जो भी प्रोडक्ट आया ना ठीक ही था। बस यही है कि ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो उसकी वजह से प्लीट्स बनाने में और शोल्डर पे ना ये टिक नहीं रहा था साड़ी, तो शोल्डर पे तो चलो समझ गए। तो ये साड़ी
और ये बहुत सुंदर वाली आपको बहुत पसंद आएगी, तो डेफिनेटली आप जाके ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।